पीएनबी ने बुरे हाल दिखाए, बहुत सारी चीजें हुई। क्या पीएनबी में अभी भी कोई उम्मीद बाकी है और क्या आगे चल करके कुछ बड़ा होने जा रहा है उसके अंदर? लोकेश जी आपसे शुरुआत। सर अगर पीएनबी की बात करूं तो मेरे हिसाब से अब फुल्ली अवॉइड है, कहीं से भी अब पीएनबी को ना ले। मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूं तो आपको क्लियर किया कि सर अब थोड़ा सा वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे खोलो इसको। सर मार्केट अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मार्केट को सबसे पहले मालूम चलता है, मार्केट को अभी तक मालूम चला नहीं है जैसा कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप पीओसयू के हिसाब से बात कर रहे हो, अब पीएनबी आपने देखा क्या आ रहा था। अब साइड में एक और सा चार्ट खोल लो, उसका नाम है कैनवेन जो हमने आज दिया है, तो आपको वो दिख जाएगा क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं। या बैंक ऑफ बड़ौदा खोल लो आप तो अभी भी आपको दिख जाएगा। पीएसयू में चार बैंक, अब देखो चार में से पीएनबी अलग है। आप एसबीआई, कैन बैंक और इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखोगे तो वो अलग है। तो ये जी दिखाता है ना लोकेश हम चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। जी पीएसयू में बहुत चेंजेस हो रहे हैं सर। इस गवर्नमेंट को मैं थोड़ा सा इसमें प्लस पॉइंट देता हूँ। आज तक 65 साल के हिस्ट्री में, 65-70 साल के हिस्ट्री में बैंकिंग का पीएसयू बैंक में इतना अच्छा हालत कभी नहीं था लोन बुक में जो आज है। और ये बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी। और हमें लगता है पीएसयू भी बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम पे देंगे। बट आपको साथ में ये देखना है कौन सा स्टॉक खरीदना है, स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको होना ही होना पड़ेगा। ठीक है। तो लोकेश सर ये कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में किसी भी सरकार में बैंकों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी पीएसयू की जितनी आज की तारीख में है। तो वो है पीएनबी की कभी भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी जितनी इसी सरकार में हुई है। तो उसपे संतोष जी के पास वापस चलते हैं और संतोष जी से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। संतोष सर देखिए, पीएनबी की स्थिति तो मतलब कहने की नाजुक है, जैसा कि उन्होंने बताया चार्ट में दिखता है। क्योंकि फंडामेंटली भी अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग जी सबसे बड़ी चीज हुई थी कि जब बैंकों के मर्जर हुए थे तो इनके हिस्से, इनके पाती, मतलब जैसे हम कहते हैं कि इनके पाती जो बैंक आई थी वो मतलब कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। तो वो स्थिति थी कि इनके साथ जिनको मर्ज किया गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और एक बैंक थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये ऑलरेडी पहले से काफी इनकी पैथेटिक स्थिति थी। और रहा सहा जो कसर था वो मुझे लगता है कि मेहुल चौकसी वाले प्रकरण ने भी कर दिया। और उसके बाद अभी तक बैंक इससे उबर नहीं पाई है। बहुत स्लो एंड स्टीडी रिकवरी है इनके एनपीएस की। अगर देखें आज भी जो ग्रॉस एनपीए, जो जीएनपीए लेवल है तकरीबन 12 के आसपास है, जो कि काफी अलार्मिंग है। और दूसरा अगर हम देखें नेट एनपीए जो इन्होंने रिपोर्ट किया है वो तकरीबन 5% के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में बैंक को कवर करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जबकि सरकार ने इतने ज्यादा शिकंजे कर दिए, मतलब आईबीसी के तहत आप प्रमोटर्स की, इवन जो डायरेक्टर्स प्रमोटर्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टी आप जब्त कर सकते हो, बावजूद उसके रिकवरी काफी स्लो रही है। तो मार्केट में आपके सामने अगर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं और एक अच्छा नहीं कर रहा, तो आप हमको क्या पड़ी है इस स्टॉक में कि हम इसी पे ध्यान दें। और यही कारण है कि इस स्टॉक प्राइस में हम अप्रूव नहीं देख रहे हैं। और वहीं पर अगर आप देखें, अलबत्ता अगर पीएसयू बैंक में देखना है तो स्टेट बैंक सबसे आगे है, उसके बाद कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी। तो मतलब जैसे कह रहे हैं कि लास्ट से अगर आप गिनेंगे तो शायद वहां पे मिल जाए कहीं उस क्वार्टर में, लेकिन अगर ऊपर से आप गिनती करते हैं तो वहां नहीं मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि इसे कंप्लीट अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल शायद बहुत अच्छा करेगी। ठीक है, ये राय है दोनों एक्सपर्ट्स की। और मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा था कि पीएनबी खराब करके बाकी बैंकों को अच्छा किया गया है, तो वो डिस्क्लेमर है मेरा कि नहीं, दोनों चीजें हुई है और मेरा काम यह है कि चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना।